ملاو عليهم من ويقول النبينا والصديقين والشهدائين والصالحين. अब ये चार कैटेगरी में हुई, चार क्लास पास हुए हुए नहीं हुए. तो आप स्कूल में या कॉलेज में देखते हैं हर क्लास का सिलेबस अगर होता नहीं होता, और उन्हें जिस जिस जमात में उन्हें पाल हुआ उसे के पास में उसको जो है ना अवार्ड मिलता, उसके हिसाब से जो है ना उसको नौकरी मिलती. अरे कारण मैट्रिक वाले का जो लेवल है, बी वाले का जो है वो लेवल नहीं रहता, उसको नौकरी नहीं मिलती. इन्हें चपरा की अड़े में रहता, इन्हें भी सरकारी मुलाकात में चपरा की. और ग्रेजुएट जो है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है हमारा पी एच डी है हमारा, ऐसे कैटेगरी है कि नहीं बोलो भाई जी. मालूम आया कि जैसे जैसे क्वालिफिकेशन आपके क्वालिटी आपके बढ़ते रहेंगे उसका इंसेंटिव तो जैसे बढ़ते रहेंगे. तो आप खाली जो है ना आता आपको नहीं मिले, एक ही क्लास अगर आप जो है एस एस सी को अगर बैठे रहे तो नहीं होता ना. तो इसी तरह नकली पढ़ रहे हैं, रोजगार रखते हैं, हर साल कोई जा रहे हैं, इधर साढ़े तीन मुंडिया मार रहे हैं, लोगों के जो है ना कसर कर ले रहे हैं, खाना अल्लाह आपको नहीं मिले, घरों में सबसे कर ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर उसके बाद उम्र भी निकल जा रहे हैं और हज भी चले जा रहे हैं, चाहे उसको अल्लाह माफ कर देता है. ये सारा दिन ये सारा साल ये काम करते रहता, फिर वो भी काम अपना जो है वो भी चलते रहता. समझ में आई बात? तो अब जो है दुनिया क्या है, ये मल्टी जो है ना मिलियनर बोल क्या क्या बोलते हैं कलर वाले क्वालिटी वाले, ये दुनिया है. मगर अल्लाह ताला उसको चार में मुख्तसर डिलीट करके कर दिया. तो अल्लाह आपको नहीं दीजिए एक साले होता है, एक शहीद होता है, और एक क्या होता है सिद्दीक होता है, और एक नबी होता है. तो भी मैं और अल्लाह ताला के भी जो है ना कुरान में दो तरह के जो है अल्लाह ताला इनामात से तुमको नवाजा है. उन्होंने किया बोले उन्हें अल्लाह ताला कुरान में दो तरह के इल्म नायब कर दो तरह के अल्योम अखनतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदितु लकुम अलइस्लाम दीना. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया. लकुम क्या है? अल्योमा अकमलतु लकुम दीनकुम है तुम्हारा दीन. दीन से ताल्लुक जो है क्या है? है काम भाई नमाज रोजा हज का बड़ा रमन पड़ता क्या देता रखा देता क्या नहीं जाता क्या हम. तो क्या हुआ? अल्योमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती. आज के दिन पूरी भी कर लिया हूँ मेरी नियमत दिनों को बोले. और नियमत को अपने आलो से क्या है नियमत का किसे जिस पर दिए अपने जात से कारों कर दिए. तो ये नियमत का माना क्या है? अब आप देखिए पूरे भारतीय जिन्हें पढ़ाता है पूरे प्रांत अल्हम्दुलिल्लाह इबादत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं तुम्हारा मतलब तुम मेरी कुवत चीजें तुम कर सकता है अल्लाह
अल्लाह ताला अपने अर्श पर रसूलुल्लाह को बात बिठाएगा। तो कैसा है क्या मुराद है इंशाल्लाह भी वो
तो अब क्या बात हमारा बता रहा था मैं आपको, बच्चे जो है ना एक ही कह रहे आपको नमाज रोजा वगैरह इतनी जल्दी न होना ना बाबा, जिक्र पास नमाज है ये पांच वक्त की नमाज पढ़ो फलाम करो ये करो वो करो वो भी है बाबा, फिर कौन इनकार कर रहा है, समझ में आई बात। मगर अल्लाह ताला पर जो है चार जो है ना डिग्री चार रूप में बयान करे उनके लिए क्या है दिन मुकम्मल हो गया, वो किसका काम है اليوم اكملت لكم دينكم وما رضى حد زكاة صدقة وغيرها وغيرها ليه فلا سويتش واتممت عليكم نعمتي اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کیا ہے اس میں کیا ہے ماشا دین کے اندر یاد رکھو تمہاری رہبری کرنے والا میرے ساتھ ہو جاؤ سمجھ میں نہیں آیا جو پوچھو جو پوچھو دین میں नमाज किसे कहते हैं, कितने रखाते हैं, हज क्या चीज है, रोजा क्या चीज है, नमाज क्या चीज है, ज़कात क्या चीज है, ये सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी, दीन के सारे जो है कुरान हदीस में मिलेंगी, मैं समझ में आई बात। अब ये खत्म हो गया ना, मगर क्या करना बोल क्या करना सही बात खत्म हो गई ना, तो एहदिना सिराता मुस्तकीम है, एहदिना सिराता मुस्तकीम अब क्या काम होने वाला है, या कुरान में तो रहमान आने वाला है, क्या है? अब यहाँ यहाँ कुरान और हदीस तुम्हारी रहबरी करने वाले हैं, वहां कौन करने वाला है, रहमान है, मुझे खुद जो है तुम अपने अपने घर को मौके ले जाने वाला है, नहीं तो मैं क्या ही बात नहीं, पूरे घर का नीत नहीं है तो वहां करने जाने का मामला है, तो जू ले लिया यार वो आती करो हाँ देखो सरकारी में जहाँ मस्जिद नबवी में बच्चों का नमाज पढ़ाते थे तहज्जुद भी पढ़ाते थे ना पसावे छुपा भी थे ना तो सरकार वो पढ़ा के हाथा भी छुपा के साथ रहते थे नमाज क्या करते थे गुरु जी नमाज रोजा वगैरह वगैरह कराते थे ऐसा भी छुपा के साथ क्या करते थे सरकार मैं तो मुझे याद है याद रखो मस्जिद का मर्जा समझ लेना तो मर जा मस्जिद की जो है ना इंतहा क्या है मस्जिद है ना बनी समझ में आ गया खानका की जो है ना इसका मर्जा इसकी इंतहा क्या है और खालसा की क्या है तो क्या बात मालूम होगी दो चीजें मालूम होगी कि नहीं चार जो है ना पहले दूरे मालूम हुए इसके अंदर क्या होता है इबादत होती है इसमें होती है जाहिर ना बाबा सारे लिए तुम और चार उठे हैं सारे शहीद और सिद्दीक और नबी सारे और शहीद इबादत जिक्र फिर जिक्र अल्लाह दवा क्या निसाब है वीर सिंह का क्या अनुरूप बोलो यूनुस चार चार घुमरे है तो ला मारा सिलेबस भी होना ना उसका तो सारे लिए का क्या है अब आमिर और हमारी की पाबंदी करना सुबह देखिए उनसे बचना ठीक हो गया और जो है शहीदियत क्या है अनमला वाले नबी ना प्रसिद्धि के ना और शहदा आना शहदा क्या है नमाज अब आप लोग हमारे की पाबंदी करना सुबह के चीजों से बचना इसी तरह अल्लाह तआला इसलिए बस किसका है शहीद है जिक्र अल्लाह तआला में जिक्र अल्लाह तआला में बैठा हूँ मेरे साथ हो अब जो है तरीकत का काम ऐसे शुरू हो गया जिक्र अल्लाह दवा बोले तो पलक के झपकने का भी जिक्र से तो गाफिल नहीं होना ये जिक्र अल्लाह दवा का माना है अल्लाह दवा बोले तो और लास्टिंग क्या है अब अगर जिक्र का माना ये है जिसको कुरान जो है बोला वकुल्लाह क्या हो वकुलु
बड़ा जुनूबी तुम अल्लाह को याद करो, खड़े खड़े लेटे लेटे बैठे बैठे हो गई बात। अब आदमी जो है खड़े खड़े बैठे बैठे लेटे लेटे अगर जिक्री करता रहा अल्लाह 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 बोलते रहा तो पूरे काम कौन करना बैठा करना। जैसे कुछ महिला बात की नौकरी है अब आप बैठ पा बैठे खड़े खड़े बैठे बैठे क्या तो खड़ी नहीं है तो बैठी नहीं है तो लेटने का घसू वाले नहीं है। अब आप जल्दी जिले के बैठे हैं सरकार मेरे बोले वाले के हम शुरू हो गया अल्लाह को बैठे बैठे लेटे लेटे अब जिस वक्त तुम सोएंगे उस वक्त काबिल हो जाएंगे ना। अल्लाह ताला तीनों भी जो है डायरेक्शन को घेर लिए खड़े खड़े बैठे बैठे लेटे लेटे सोए अपन जितने से काबिल हो जाएंगे ना हो जाएगा खत्म हो गया ना कुरान की आयत फिर दिन छुट्टी नहीं छुट्टी। तो जिक्र दर जिक्र पास तन पास क्या है पास 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 मुटर का पास पुलिस का पास निकालने के लिए उनको पास समान है बोलो यार वो तो फेल हो जा रहे पास क्यों नहीं हो रहा। हाँ यहाँ पास का माना जो है हिफाजत के माने पास दाजी करो क्या करो यहाँ पास दाजी करो कि हिफाजत करो क्या माना पास दाजी का माना सुना नहीं तूने दिखरे पास पास हिफाजते अनपास ये माना है क्या माना है पादारी का माना यहाँ पास का माना क्या लेंगे हिफाजत। एक सांस भी अगर तेरी जो है जिक्र से अगर गफलत दी तो समझ ले कि तू फेल है। नहीं तो नहीं मेरी बात ये है पाशा यहाँ से काम शुरू हुआ अपने तरीके का काम ये बहुत से आजम की निस्बत इधर गुलाम हुआ कि जिक्र पास पास दूर तू सुनता नहीं रहा तेरा जिक्र चलता रहा वॉशरूम में भी गया नहीं समझ में आया जबान से अल्लाह बोला बोलो तो बेअदबी होने हराम है वहां पर मगर सांस उठली तो भर गई ना मगर सांस के पास और पास चलाते रह रहा नहीं समझ में आया बाकी ये बात है ना। तो जिक्र अल्लाह जबान से सिद्दीक का क्या है मैं क्या बोलूं सिद्दीक का जो है ना सिलेबस क्या है हर उठाओ कोई बात नहीं है सब ना 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 हो जाए कोई बात भी याद रखो सिद्दीकियत ये दोनों के अंदर दम है क्या है हवा के ना हवा की पाप नहीं करना हवा तो ता अगर का करा ये सब करना झूठ छोड़ जाना कि तुम्हारा खर्चा लाने की ना खतरा नहीं करना हवा भी ना हवा किसका मन और सुबह के दिन उसे पहले हो गया। फिर उसके बाद शहीदियत क्या है नहीं ये दोनों भी करना क्या करना वादा करना पाबंदी करना सुबह की चीजों से बचना और क्या करना है बोलो जी हमेशा जिक्र अल्लाह तवा में लगे रहना है। हम जिक्र की बात कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा जिक्र देखने क्या है इसका जिक्र बस क्या है बोलो जी। अब जो है ना अल्लाह को नहीं किसे इतने पुराने पुराने गुरिंदा हैं चार गुंडे हैं दुनिया के हिसाब से आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है आप क्या है प्रोजी ग्रेजुएट है इसे ये क्या है उम्र हो कुछ कुछ भी होंगे बी होंगे बड़ा होंगे तुम भी है पहला भी तुम लोग जो है ना बोल लो तुम्हें सरकार हमारे जो है इम्तिहान ले रहे हैं हमारे जो है ना मैट्रिक पढ़ा तो जो है ना ये जाना नहीं होता नहीं मेरे अपने कुछ ना कुछ जो है न्याय है ना बाबा एक स्टैंडर्ड में है ना तुम है ना। अब उसी अगर मैं आपसे अगर पूछूंगे बोलो मियां सत्तर मियां आप साले है शहीद है जिंदगी का क्या है आप नबी तो नहीं हो सकते नबी ये बोलो तो नहीं मार देते लोग तुम्हारा फैका नहीं आता नबी तो खत्म हो गए ब्रो भाई क्या है आप साले है शहीद है जिंदगी में कहा है इसका सिलेबस क्या है
तो इस बात को अच्छी तरह याद रखो। अब आगे रनवाही में पाबंदी करना, शुगर की चीजों से बचना, ये हो गया सही नियत क्या है, और अमीर नवाई की पाबंदी करना, जिक्र अल्लाह दवा में रहना। सिद्दीक किधर बोलते हैं ये तीनों भी करते रहे उसको अल्लाह, इसको देखना इसको अल्लाह, इन्हें अल्लाह को देखना, उसका नाम सिद्दीक है। ये तो मुझे कहने में सिद्दीक हो नहीं सकता, इसीलिए सिद्दीक अकबर क्या बोले, महाराय कुशयन जिला राय तुका और प्रभु, कायनात में किसी चीज को मैं नहीं देखा मगर पहले अल्लाह को देखा। उसके बाद जो है अल्लाह को देखना दिखाने का मामला है, क्या करना है अल्लाह के, तो ये इंतहा है हमारी, इसकी नबी तो पर नहीं हो सकती, अगर नबी की जात में अगर घूमोगे तो नबी के जो मकाम है उससे इस्तेफादा कर सकते, अंदर वाला रह नहीं सकते, गर्दन में आते थे आपको बाहर कर जाओ, नबी है नहीं तो माना भाई थोड़ी देर के लिए मिनिस्टर है, उसके जो है जाने की जगह चले गए, उसके बाद थोड़ी जाने के बाद कह सकते भाई और इसका नहीं तो ये तुम्हारा मिनिस्टर चल रहा है चलो वैसे, नहीं तो मैं तो उनके मुआवजे संगत में जा सकता हमेशा नहीं रह सकता। बात समझ में आ रही, तो इस बात को क्या याद रखो, जिस तरह तो जो है ये खानकाह है, इसका जो काम है वो ये काम है कि तुमको सिद्दीक बनाना है, शरीफ बनाना है, क्या करना है सिद्दीक बनाना है, और इस बात को दोस्तों यहाँ पर जो है देखने दिखाने में इबादत, देखना एक ऐसी इबादत जो रूह है, इबादत का नाम देखना रूहियत है, इबादत के रूह क्या है देखना दिखाना है। सरकार तो जहां मेरा के मौके पर जो है ना बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़े, लामा खामी जब गए तो वहां पढ़े नमाज, गुरु जी थोड़ा पढ़ेगा वहां पर क्या करेंगे, वो यारो देखना दिखाना, दिखाने के सिवा कुछ नहीं रहा वहां का, तो मालूम वहां की हमारी इंतिया जाए नमाज रोजा हजार का मतलब की है, देखने दिखाने की कोई हद नहीं, अनलिमिटेड है, वो तेरे सामने तो उसके सामने, समझ में आ रही बात, चश्मे जदन आगाशा गाफिल ना बाशी, शायद के नजरे कुनल का आगा ना बाशी, एक आंख के छपकने तक भी मौला से जो है गाफिल नहीं रहना, नहीं उसको देखते रहना, ये सिद्दीक का दर्जा है, ये अगर आप हासिल नहीं करे तो इस दुनिया में आने का कोई आपका मकसद नहीं है। क्या समझ में आई, तो क्या समझ में आया आपको, इसमें क्या होती है सिद्दीकियत में क्या है, हमारा रोजा वगैरह अपनी जगह पर है मगर इसका खुलासा क्या है, देखना दिखाने के सिवा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो फिर तो तू सिद्दीक बन सकता, सिद्दीक अकबर का गुलाम बन सकता, हमारे पढ़े रोजा रखो सफा कर लिए तो तू कह लेते रहो मैं सिद्दीक नहीं बन सकते, और आगे अल्लाह ने जाते 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 अल्लाह को नहीं दे हमारे रोजा वगैरह को छोड़ रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं नीचे के बताए हो जो नीचे करने के काम आए, हमारे रोजा अदाकार वगैरह जिक्र फिक्र वगैरह जिक्र ये करता रहे नीचे का काम है, देखना दिखाना ये भी एक काम है, उमूमन लोग क्या समझते हैं देखना दिखाना काम नहीं रहता, कह रहे हवली वही बड़ा सबसे बड़ा काम है, क्या मिसाल के तौर पर आप घर घर से निकले सैकड़ों मिनट से जगह निकले क्या क्या करके भरा करके यहाँ आगे अगर मेरे नहीं देखिए तो बोलो जी फिर यहाँ सरकार से मुलाकात ही नहीं हुई, उनसे जो है ना अल्लाह को मिली रुकी थी उनका नजारी नहीं हुआ, हमारा सफर बेकार हो गया, तो इस कायनात में आने के बाद कायनात वाले को नहीं देखा तो तेरा सफर आना जाना तो बेकार रहना पड़ेगा, आया कैसे दिखाने के बाद क्या है,
अब आखिर में जो है ना ये सब मेरे अपने किताबों में लिखाता हूँ फिर की बोलूँ डर बराबर क्या सरकार लिखती है पढ़ लेंगे भाई सरकार सरकार से डायरेक्ट सुनते हैं हम किताब का देखना है उनका किताब भी सुनते हैं मैं समझ में आई भाई क्या है उसको सुनते कोई बात तो चल रहा आखिर में हम लोग देख रहे हैं रात का पुराता मैं तुमको देना चाह रहा हूँ कि हम भी जान तुम्हारा गुजर बुलाया जाता है क्या कुछ की जाती है तो ये बात मैं बताता हूँ इस बात को चिंता रहते हुए याद रखो सोहबत देखना दिखाना जो ये किसी आता है सोहबत के बगैर तुम्हारे को जो है देखने दिखाने का जो है ना दिखाने वाला होना पड़ता तुम्हारा दिखा वाला होना तो तुम्हारे को दिखा सकता उन्हें अंदर है कमाल का टीवी ना देख के देता समझ में आई बात तो किसी काम का नहीं रहता अब देखो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ देखने दिखाने का क्या मतलब मेरे साथ है ना तो थोड़ा क्या बोलो सारी कायनात में सबसे बड़ा वहां किसका है ना क्या है क्वालिटी जो सारे इंडिया के पास नहीं है मेरे सरकार के पास वो क्या है बोलो जल्दी देखना दिखाई के बाद ना कहाँ ये खड़ा तबाह हो रहा है वो मेरे सरकार को क्या है सरकार सरकार उसको सरकार को मारे इब्राहिम को ये जड़े पल्लव दी गई और हजरत मूसा को जो है ना कलाम दिया गया मुझे रूहियत दी गई जो किसी मेरा इसमें कोई मेरा शरीक नहीं है कोई मैं जिब्राइल की यहाँ पर जरूरत हो सकती है मूसा में आके भाई ठहरे रहना बोलते रहना नमाज कम कराऊ इब्राहिम ही होए ना मगर तुम आके और सरकार ने पूछा हजरत इब्राहिम सातवें आसमान पे है हजरत मूसा जो है छठे आसमान पर है तो जो रुदा चलते हैं तुम्हारे साथ इनको तो बुला ही देना इनको जाना भी नहीं चाह रहे उन्होंने बुला रहे भी नहीं तो मालूम क्या हो रहा है नहीं क्या रहा तो इंतजार क्या है मेरा नबी इंतजार क्या है तो तुम्हारा इसके दिन सिद्दीक के नमाज आखिरी दर्जा इसका इंतजार क्या है देखना दिखाना है बात समझ में आई बात सारे मखलूक हजार हजार मखलूक आदमी मेरे नबी का मकाम क्यों बड़ा हुआ है बोला क्यों बड़ा ना है बोलो क्यों बड़ा हुआ है मेरे मौला को मेरे रसूल के सिवा कोई ना देख सका ना देख सकता अब उसके बाद जो है अनबिया के बाद सबसे बड़ा किसका मकाम है बोलो जी सहाबा का है क्यों उनका मकाम का बड़ा हुआ है बोलो जी जिसके लाख जो है प्रकट करना जिसके लाख मतलब आहरी करना जिसके जो है बना कुछ है करना है अमल का जो है कोई मुकाबले की अमल का कोई क्या है मगर देखना भी एक अमल है देखना भी एक ऐसा अमल है ये सारे अमल के ऊपर उंगली आता है चला जाता है सारे अमल को सब तक ले जाने वाला कौन सा अमल है देखना दिखाना भी एक अमल है जो सारे जो है अमलों पर फजीलत रखता है कैसी फजीलत रखता है अब ये देखो किताब के अंदर भी जरा पढ़ लेते तो रे क्या तुम लगा अब देखो हमारे है ना इब्ने माजा अन मुसायर इब्ने जाहरू ने खाला काना इब्न उमर यकुलु ला तसंतु अस्हाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजिल मकामी आदिम सातु खैरु मिन मुली आदिम कुम उम्र मेरे खातर क्या बोलना चाहता
ये फरमा रहे जो मुझे देखी है, जो मेरे साहबी बन गए, उनके तारुक से ना दिल में बहन में आना ना यहाँ आना, क्यों मेरे को देखने की वजह से उनका ये मकाम है। सब बोल देना ना, उसके बाद सरकार जहाँ भावना फरमा रहे, क्या फरमा रहे कि तुम्हारा मेरे साहबी का एक अमल तुम्हारी सारी उम्रों की नेकियां लेकर रखे, इस वजह से है तुम मुझे देखे। क्या वगैरह ये भी आपको मैं कह रहा हूं, अमल भी क्या है, अमल भी है जो है देखना, रुयत भी क्या है, ये अमल कैसा अमल है जो सारे अमल को निकल लेता है। मैं समझ में आई नहीं, बोल रहा हूँ पूरे क्या बोल पड़े हुए हैं, मैं समझ में आई। अच्छा और क्या है उसी के अंदर हमारे सरकार अच्छी तरह समझ लो, हमारी सरकार सारी तुम्हारी उम्र का जितना भी जो है सतीदा है अमल का वो एक क्रम मेरे साथी का ये तो मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों ये कमल उनके पास है जो मुझे देखे, बात समझ में आ गई। अब उसके अंदर 100 साल के भी है, 70 साल के भी है, 80 साल के भी है, ये सब कुछ है ना, तो 70 साल के नेकियां एक तरह मेरे साहिब रसूल का ये कमल होता है, 110 साल के जो है नेकियां एक तरह, ये समझ में आ गई। और उसके बाद सरकार ने पूछा और यहाँ क्या फरमाने ला तसबु व सकिन फलो वन हदम वन फका मुसला ओपन जहां अगर पता की राह में दिया है तो अहद जो हजारों पनों का है, अहद के पहाड़ के बराबर सोना भी दिया तो वही खेलोगे बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मेरे रसूल को देखने का क्यों मन है। ये आम बहनों के अंदर क्या है, नमाज को रोजा में फूटे हमारे हमारे बच्चे बोल रहे हैं ना भाई अल्लाह बुद्धि को जिधर बोलो नीचे उधर है बोला है जाम को इधर तो वही काम करते हैं। समझ में आया ना, मैं तो बोल रहा हूँ बोला मामा जिधर आ रहे हो ये किस वजह से बोल रही, किस वजह से बोल रही, हमारा रोज का हजार का काम नहीं कर रही। तो ये सारा ये शहीदियत है, सिद्दीकियत में क्या देखने दिखाने के सिवा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात, वो अगर नहीं है तो तुम्हारा हक भी नहीं है पैसा करने का, अल्लाह तुम कहते हो ना करा देखने दिखाने आ रहे बात के आगे फिर जो भी कर लिया करोड़ों बार करे नहीं। समझ में आ रही बात, अगर उसका नतीजा निकला के आते में तुम बोले कि हमारी बात हम कर रहे मुझे बोले अल्लाह ने बोले कि मेरी ऊपर से कि मेरी बात इस तरह बड़ी हो जाए हमारी बीवी हमारी बीवी मिसाल के तौर पर समझा रहा हमारी बीवी हाँ हमारी माता के लिए तो वहीं करो क्या करो हम तो यहाँ करें हम समझ नहीं सकते नहीं तो मैं आई बात मौला ताला जो है ये तो और मेरे पास आप उठा के मेरे तो मालूम जो है कि रुहियत एक ऐसा अमल है वो भी अमल है ये तुम्हारे कहने में उठाना चाह रहा हूँ। रुहियत एक ऐसा अमल है जो सारे अमलों पर भारी है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मैंने भी मैं क्या बताओ कुरान को तो देखते ना शादी होता कलाम अल्लाह को देखते शादी होते उदाहरण को होते बोलो नहीं तो मैंने आ रखा है यार वो घूम रहे क्या पूरे लोग शराब होता है क्या बात कर रही थी क्यों नहीं होते रसूल का तो कलाम कलाम कुछ
जो भाई भी है वो भी
मानते हैं बात शकुनी का फैमिली इस बात के लिए किताबों में और यह आते जो है ना उनका इनकार आपका मुझसे कम से कम उसने अभी तक रख तेरा उसने खाते मांगा होगा क्या बोले ये तसव्वुर तो ये तरीका इसको सही समझ इसको सही जान विलायत को समझ उस पर अकीदा रख मुरीद मत हो कुछ भी मत हो मगर अकीदा कम से कम अच्छा रख ले तेरा तुझे खाते मान नहीं होगा नहीं होगा तो तुझे खाते मान मेरे लिए ईमान पे तेरा खाते मान नहीं होगा प्रणाम करने बात मन में आ गई है तो दे दे के क्या बात मन में आई कि तुम जो है ना साले शहीद सिद्दीक सिद्दीक अगर बनना है तो क्या करना है अल्लाह को देखने दिखाने के सिवा कोई उसका जो है ना फल भी सिद्दीक जैसे बोलते हैं तो अल्लाह को देखता दिखाता है वो दिखता क्या फला करता क्या आओ हमारे साथ बता तुम्हें भी आ रही हमारे गार्डन में उन्होंने जो है ना अपना एक जो जो क्या है आपका रूम फार्म बना हुआ है क्या बना हुआ है क्या बोलते फार्म हाउस वो क्या है उनके पास मतलब उनका फार्म हाउस है जिनके पास आए तो उन्हें मिल जाता है कुछ देखता क्या दिखा था दूसरा एक कलाम उन्होंने मिल गया वहाँ मिल आ गए दूसरा एक कलाम की बात करें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो है गुलाम है ना वो क्या अगर के अबू बकर सिद्दीक को बोले हरान जिस वक्त देखो मैं अल्लाह को देख रहा हूँ ये बात तो छोड़ के जो है वहाँ पे चले जा रहा ना और उस बात को भी गलत से सवाल कर रहा उसको जो पागल हुई है कुछ नाम मुसा अलैहि सलाम ने दीदे बोले तो तुम क्या देते हो गश खा के दे रहे उनके हुजूर को ताव नहीं आ सकते गश खा के दे रहे ये मना है वहां पर अल्लाह मुसा दे का बोल गया गश खा के दे रहे कि थोड़ी देर बाद जो बात का आगे बोले तो हमारा फिर टीम मांगा और समझ में आ गई तो अब ये दे दे के पूरी गुफ्तगू का क्या नतीजा निकला ये नतीजा निकला कि चार जुमरे हैं सिद्दीकियत में जितना दिखाना है तो खानखा में क्या होता है मदरसों में क्या होता है नमाज होता है हर जगह खानखा में क्या होता है सिद्दीकियत का मतलब उसका सिलेबस यहाँ पढ़ाया जाता है देखना दिखाना होता है समझ में आई बात और देखना भी एक अमल है और किसी के साथ हो जाना भी ये एक अमल है देखना दिखाना एक ऐसा अमल है सारे अमलों को उन्हें खा जाता और किसी के साथ हो जाना क्या है जिसके साथ हो उसके अमल तेरे मन दो में उसका बेटा तेरे को पहुंचने वाला है करोड़पति बाप सारे जिंदगी भी कमाया कुत्ता मरते ही बाप उन्हीं भी करोड़पति होगा कहता हुआ है कहता हुआ भी अब आखिर में हदीस वो भी अपनी किताबों की जगह की दीजिए कयामत के दिन अल्लाह ताला जो है ना बैठे हुए होंगे मैं समझ में आ जाएगा सरकार जो यहाँ फरमाते हैं कि जो है अल्लाह के वली उनको जो है जन्नत पहुँचाने के लिए मुर्दा समाज दिया गया होगी वो गर्म तो वो इसी हो गई कि बोला कि मारा चले जाओ अगर तो नहीं नहीं मैं नहीं जाता कल क्यों जो मेरे साथियां माती हैं मैं घर खाते तो मैं जन्म में कैसे जाता जन्म में कैसे जाता तो बोले कि उनके अमल तेरे अमल अलग है अब देखो फायदा क्या होता है संदर्भ में सोबर करने में फायदा क्या होता है उनके साथ जो तुम्हारा हो जाता है उनके अमल का फायदा तुमको पहुंचता है और समझ में आ गई तो अब ये बोले तो उनके अमल अलग है तुम्हारे अमल अलग है तुम्हारे जैसे वो अमल नहीं करते थे अब जो मेरे साथ हो जाओ हदीस के आना आम जो भी वो लगूं हदीस के अल्फाज क्या है मौला मैं जो अमल करता था जो जो मैं अच्छे अच्छे काम करता था खाली मेरे लिए अमल नहीं करता था मेरे ये साथियों के लिए भी अमल करता था लिहाजा ये जो अमल का फायदा मुझे पहुंच रहा है उनको भी पहुंचना जरूरी है मेरे अमल का फायदा इनको भी पहुंचना जरूरी है तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जा जिसको जो हक तेरे पैदा नहीं किए जा लेके जा बातों में क्या आगे आगे रोज तो रोज मजा कर रहे रोज मजा तुम लगा कर ना ये बाबू किस्म के लोग अभी अरे बच्चा उनका डर उनका हर एक काम अपना अपना मार का बच्चा होता है अभी तो होंगी भाई ये घटित है हमारे लगातार जो हमारे लिए तो उधर आपको सरकार लगता है जो तेरे होते आएगी आपको सरकार को बुलाकर तो
उंगली की नमाज पढ़े तो क्या हो रहा है बात करो
बोलो, उसके अंदर जो है ना सारे महशर में जितने लोग जमा होंगे उसमें काफिर आ गए, फिरों शरदार वगैरह आ गए, अहराम की वगैरह मुंह भी रहेगा नहीं रहेगा, उन्हें अलग कर सकेगा? बोलो भाई, दे सकता क्यों नहीं दे सकता? सामने रही है ना, क्यों नहीं दे सकता? पता नहीं समझ में आएगा, मगर अल्लाह का बदले जो मोमिन होंगे अपने अपने दर्जे के हिसाब से तफसीलात अपनी जगह पर है, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन बड़ा जन्नत में उनकी होंगी और वो घूमेंगे, ऐसे भी जो है जिनके फलक के दर्शन करके अल्लाह से जो है दीदार से आप जो है महरूम नहीं रहेंगे, ऐसे भी रहेंगे वो ज्यादा तो अपन सबसे नहीं ऐसे करने वाले उनके साथ रहेंगे। देखो उनको अपन दिखना चालू कर दीजिए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा करना है।